हेलो बच्चों, नमस्कार। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। और बिल्कुल गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, और अपना ख्याल रखिएगा इस गर्मी में। लेकिन एक काम करते रहना है, पढ़ना भी है। और ये ऐसा टाइम है, बोलते हैं कि दुनिया में जो कुछ होता है ना, सबका कोई अच्छा और कोई बुरा पक्ष ज़रूर होता है। तो यहाँ पर भी कोरोना की कंडीशन में आप बिल्कुल कैद हैं, घर में हैं। तो दोनों तरह से इसको देखा जा सकता है। वैसे भी बच्चों के लिए तो क्या है, और अच्छी चीज़ है, कुछ दिन घर परिवार में बहुत अच्छे से बिता सकते हैं। और साथ में ये बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड पढ़ने का एक मौका है, खुद को सोचने का, खुद को एक्सप्लोर करने का मौका है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़िए, आराम भी करिए, खाइए पीजिए, और इंडोर गेम्स घर में खेलिए भी, ठीक। एक्सरसाइज करिए, जो आप योगा वगैरह करते हैं करिए, और साथ में पढ़िए तो खूब, है ना। हम लोग भी आपको कुछ सहयोग कर दे रहे हैं, कुछ और बाहर से मटेरियल आपको मिल जाएगा, और इस तरह आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आपके लिए इसका प्लस कर लेना है, फ़ायदा उठा लेना है इस सिचुएशन का, ठीक। तो हम लोग फिर वही क्लास सेवन्थ की बात कर रहे थे हम लोग। तो और क्लास सेवन्थ की साइंस क्या रह गया है, चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है, फाइबर टू फैब्रिक। और उसमें एक्सरसाइजेस जो हैं उन पर हमको एक लुक थोड़ा देना है, और साथ में कुछ दो चार कीवर्ड्स भी होंगे इस चैप्टर में जो हमने पढ़ के आए हैं, बस एक तरह से क्विक रिवीजन हो जाता है, तो वो चीज़ हम लोग देख लेंगे। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे क्या हुआ। तो हम कोशिश करेंगे आपको थोड़ा प्रोजेक्टर से दिखाने, क्वेश्चंस आपके दिखाने सामने रहेंगे, तो आप अच्छी तरह उसको देख पाएंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, देखें सफल होते हैं हम उस मामले में कि नहीं। तो चलिए फिर आगे लेकर बढ़ते हैं इसको। तो प्रोजेक्टर ऑन हो रहा है, और उम्मीद बहुत पूरी तरह, जो भी देखा करिए हर वीडियो को, तो आप पूरी तरह देखा करिए ताकि आपको समझ में अच्छी तरह आए। और ठीक, तो हम जब तक ये ऑन हो रहा है, हम बाकी अरेंजमेंट्स को कर लेते हैं। ओके, तो सामने है आपके, आ गया, ठीक है, देख रहे हैं अभी कीवर्ड्स सामने आ गए। तो थोड़ा चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, हम इरेज ही कर देते हैं, ठीक। और लीजिए, अब क्लियर हो गया कीवर्ड्स। तो ये कीवर्ड्स याद आ रहा है, कुछ पढ़ के आए हैं। तो पहला क्या है, कोकून। कोकून क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर है, वहीं से सिल्क मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है, जो सिल्क वर्म है अपने चारों ओर वीव करता है, बुनता है ईट की शेप में ऐसे ऐसे करके, और यह अपने को पूरी तरह घेरता है, ठीक। प्यूपा स्टेज होता है, जो प्यूपा है उस कोकून के अंदर ही होता है, जो कैटरपिलर है ना, कैटरपिलर एग से निकलने के बाद लीव्स को खाता है और बड़ा होता है। कुछ दिनों बाद, 20-25 दिन बाद, वो क्या करता है, अपने चारों ओर खाना बंद कर देता है, और अपने चारों ओर क्या करता है, कोकून बनाने लगता है, यानी वीव करता है। सलाइवा जैसे उसको निकलता है उसके मुंह से, और वो प्रोटीन का मटेरियल होता है, वही हवा में सूख करके क्या बन जाता है, सिल्क बनता है, और यही कोकून होता है, उसी से हमको सिल्क मिलता है। फ्लीस, तो फ्लीस क्या है, ये जो डेड स्किन और हेयर, टॉप जो हेयर है शीप वगैरह का, है ना, उनको शीप और गोट का, उनको हम फ्लीस कहते हैं, जिसको कट करके या जिसको एक तरह सेव करके क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो डेड स्किन के साथ और जो हेयर है शीप का, फर है, उसको मिला करके हम क्या बोलते हैं, फ्लीस कहते हैं, ठीक। इसके बाद है देखिए स्कोरिंग, ये एक बहुत स्टेप्स में आया था, किसमें, जो आप वूल का प्रोसेसिंग वाला स्टेप्स पढ़ रहे थे ना, वूल के प्रोसेसिंग वाला, तो दिस इज वन स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ वूल,
ओके इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल दिस इज वन स्टेप. व्हेन फर और फ्लीस आर क्लीन्ड बाय विद द हेल्प ऑफ वाटर, उनको साफ करते हैं, वॉश करते हैं, दे आर वॉश्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर. जो उसमें डर्ट है, डस्ट है, ग्रीस है, ऑयल है, भाई शीप है तो कई जगह लेटता उड़ता है, इधर उधर जाता है, कई चीज़ें खाता है, तो उसमें से बहुत सारे डर्ट, डस्ट, ऑयल, आयली चीज़ें उसकी बॉडी में लगी होती हैं. इसलिए क्या करते हैं, जो फर उसका निकाला जाता है उसमें भी ये चीज़ें होती हैं, तो ये स्कोरिंग होता. और इसके बाद देखिए सिल्क मोथ, और उसके नीचे सिल्क वॉर्म भी है. सो सिल्क मोथ जो बटरफ्लाई जैसा होता है, और जो सिल्क वॉर्म बोलते हैं उसके कैटरपिलर को बोलते हैं. तो सिल्क मोथ क्या है, एडल्ट सिल्क वाला मोथ है या कीड़ा है ना, जो बटरफ्लाई जैसा होता है, और तो वो उड़ने वाला होता है, तो ऐसे बटरफ्लाई जैसे उसके दो पंख होते हैं. और सिल्क वॉर्म क्या है, वही सिल्क मोथ के एग से जो कैटरपिलर निकलते हैं, बाद में यही जा के फिर सिल्क मोथ बनेंगे, तो इनको सिल्क वॉर्म कहते हैं. तो कैटरपिलर ऑफ सिल्क मोथ इज सिल्क वॉर्म विच वीव्स कोकून अराउंड इट इन द प्यूपा एंड फॉर्म एंड गोज इन टू प्यूपा स्टेज. सो वी ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम कोकून फॉर्म्ड बाई सिल्क वॉर्म. एंड हियर सेरिकल्चर द होल प्रोसेस आर रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज सेरिकल्चर. तो रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स एंड प्रोसेसिंग सिल्क प्रोड्यूस बाई द सिल्क वॉर्म्स, दिस होल थिंग इज कॉल्ड सेरिकल्चर. ओके नाउ रीलिंग, रीलिंग क्या होता है, वो लास्ट स्टेज है उसका, एक तरह से कहा जाए कलर करने से पहले का सिल्क वॉर्म, सॉरी सिल्क का, कि जो कोकून से जो सिल्क निकालते हैं, लंबा लंबा थ्रेड जैसा होता है ना, उसके स्ट्रैंड्स बड़े लंबे होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको ऐसे लपेटते हैं किसी रोल में, एक तो रोल बनाते हैं उसका, उसको हम रीलिंग कहते हैं. तो वहाँ से निकाल करके कोकून से उसको रील में लपेटते हैं या रीलिंग करते हैं. ठीक है, शीयरिंग यही है, फ्लीस को, जो फ्लीस हैं शीप के, उनको शरीर से अलग करना, वही शीयरिंग है. तो उनके फर को, फ्लीस को, शीप के फ्लीस को काटना, शरीर से हटाना, रिमूव करना, दिस प्रोसेस इज शीयरिंग. तो रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप और रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप इज शीयरिंग. एंड शॉर्टिंग, ये शॉर्टिंग क्या होता है, शॉर्ट में छांटना उठना होता है. तो शॉर्टिंग वॉश करने के बाद, अच्छी तरह से धुलने के बाद क्या करते हैं, सेपरेशन होता है, छांटते हैं उनको, शीप और गोट के फर को, उसमें बहुत लंबे होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, कई टेक्सचर के होते हैं उनके फर, तो कुछ मोटे और लंबे थिक होते हैं, कुछ पतले होते हैं, महीन होते हैं, उनको अलग करना होता है, उनकी क्वालिटी अलग होती है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. तो इस तरह से क्या होता है, शॉर्टिंग कहते हैं. सो दिस इज स्टेप इन प्रोसेसिंग ऑफ वूल, इन प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इन टू वूल. ओके, इन विच फाइबर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लीस, तो इसको हम कहते हैं शॉर्टिंग. तो ये चीज़ें हो गई हम जो पढ़ के अभी आए हैं. ठीक है, ये जो वर्ड्स कुछ हैं, ठीक है, कीवर्ड्स हैं ये हैं. और इसके बाद आप देख रहे हैं, ये इसके बाद क्या है, व्हाट यू हैव लर्नड, आप क्या जान चुके हैं अभी तक पूरे चैप्टर में. तो ये तो जो कीवर्ड्स हैं तो जान ही चुके हैं, वही है. तो ये जो आप जान चुके हैं ये है, क्या है, इतने चीज़ें हैं और भी, हाँ उसके बाद एक्सरसाइजेस हैं. ठीक है, तो ये सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वर्म्स एंड वूल फ्रॉम शीप, गोट एंड याक, दीज आर एनिमल फाइबर्स. ओके, हैंस सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर्स. तो ये सिल्क वर्म, गोट, ये सब से ही ये सब फाइबर मिल रहे हैं, तो ये एनिमल फाइबर हैं. सेकंड थिंग, द हेयर ऑफ कैमल, लामा एंड अल्पाका आर ऑल्सो प्रोसेस्ड टू यील्ड वूल. तो अफ्रीकन कंट्रीज में लामा और अल्पाका बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ऊल के लिए, सोर्स के लिए, ऊल के सोर्स की तरह. तो ये भी हैं, कैमल का भी यूज़ होता है
उनके भी फर को यूज करते हैं कैम यूल की तरह, ठीक है ना। इन इंडिया मोस्टली शीप आर रियर्ड फॉर गेटिंग वूल। हमारे देश में क्या है, जो शीप हैं उन्हीं से ऊल हमको मिलता है, वही से लेते हैं। शीप हेयर इज शीयर्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी, स्कॉर्ड, शॉर्टेड, ड्राइड, डाइड, स्पन एंड वूवन टू यील्ड वूल। ठीक है, देखिए क्या है, जो शीप हेयर है, जो फ्लीस बोलते हैं उसको, शीयर्ड ऑफ, काट के अलग करते हैं उसको, है ना, रिमूव करते हैं बॉडी से, फ्रॉम द बॉडी, स्कॉर्ड मतलब वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं उसको, और शॉर्टेड, फिर उसमें लंबे छोटे पतले मोटे जो भी कुछ है उनको अलग अलग करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं, ड्राइड फिर सुखाते हैं अच्छी तरह से ताकि बढ़िया से स्टोर कर सकें, तो ड्राई करते हैं उसको, डाइड कलर करना, डाई कलर करना बोलते हैं, तो डाइड कलर करते हैं, ठीक। स्पन यानी स्पिन करना, उसका यार्न बनाना, वूल का बनाते हैं यार्न, वो वूल से यार्न बनाते हैं, तो उसको हम स्पिन करना कहते हैं, तो स्पन, वोवेन वीव करते हैं, कपड़ा बनाते हैं या स्वेटर बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, तो वीविंग कहते हैं उसको, तो वोवेन। ओके, सो दीज आर स्कोर्ड, शॉर्टेड, ड्राइड, तो स्कोरिंग, शॉर्टिंग, तो ये क्या शेयरिंग पहले है, शेयरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग, ड्राइंग, डाइंग, स्पिनिंग एंड वीविंग, ये क्या है, स्टेप्स हैं ऊल की प्रोसेसिंग में। और सिल्क वॉर्म्स आर कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मोथ, अभी बात कर रहे थे कि सिल्क वॉर्म्स क्या है, ये सिल्क मोथ के कैटरपिलर्स हैं। उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, किसके, सिल्क वॉर्म के, सिल्क मोथ के की लाइफ साइकिल क्या है, ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वॉर्म्स स्पिन कोकून ऑफ सिल्क फाइबर्स। तो जो एग से कैटरपिलर निकलता है, कैटरपिलर से प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर एडल्ट सिल्क मोथ बनता है, तो उस बीच में कोकून क्या होता है, कैटरपिलर ही बनाता है, और उसके बाद प्यूपा स्टेज में वो चला जाता है, यहीं से सिल्क हमको मिलता है कोकून से। अगला है, सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ प्रोटीन, है ना, सिल्क फाइबर पहले बताया कि ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो सीक्रेट करते हैं, और प्रोटीन का बना होता है। सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकून्स आर टेकन आउट एंड रील्ड इनटू सिल्क थ्रेड्स, ठीक है, तो सिल्क थ्रेड्स बनते हैं इससे, ठीक है ना। वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड्स इनटू सिल्क क्लॉथ, तो वीवर्स क्या करते हैं, जो बुनाई करने वाले होते हैं, वो सिल्क से क्या करते हैं, सिल्क क्लॉथ बनाते हैं। तो ये आपने जो एक तरह से क्विक रिवीजन है, आपने देखा जो जो पढ़ लिए हैं उसी का फिर से एक बार से रिवीजन हो गया। अब इसके बाद एक्सरसाइजेस हैं, देखिए हम बात करते हैं इस पर। एक्सरसाइजेस क्वेश्चन वन, यू मस्ट बी फेमिलियर विद फॉलोइंग नर्सरी राइम्स, बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल। ओके, सेकंड क्या है, मैरी, है ना, मैरी हैड अ लिटिल लैम हुज फ्लीस वॉज वाइट एंड स्नो। ओके, तो आंसर करना है Which part of the black sheep okay, have wool? तो कौन सा part black sheep का wool होता है, तो उसका फर है। Okay, ये फर है, उस वही wool बनता है। तो what is meant by the white fleece of lamb? Lamb मतलब क्या, वो भेड़ के बच्चे को बोलते हैं, है ना, मेमना बोलते हैं उसको। तो lamb white fleece मतलब क्या है, जो उससे wool मिलेगा वो क्या होगा, white होगा, तो उसका जो फर है वो वाइट कलर का है ना, उसके बाल क्या हैं, वाइट हैं, ठीक। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिल्क वॉर्म इज अ कैटरपिलर, अ लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो लार्वा ही वही कैटरपिलर बनता है, जो एग से निकलता है वो लार्वा होता है, वही कैटरपिलर बनता है। तो ये क्या है, सिल्कॉम क्या है, लार्वा है, कैटरपिलर है, तो ए बी बोध ए एन बी नाइदर ए नॉर बी, तो वो तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो जो कैटरपिलर है वही सिल्कॉम है, ये हो सकता है, और लार्वा बोध ए एन बी वही है ना, लार्वा ही खाता है पत्तियों को, बाद में क्या बन जाता है, थोड़ा ठीक ठाक बन जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, तो कैटरपिलर हो गया,
ठीक, तो ये सही है। थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल, ठीक है ना, कौन सा इसमें ऊल नहीं देता है, याक से आपको ऊल मिलता है, कैमल से ऊट मिलता है, गोट से मिलता है, और वूली डॉग है ना, कभी नहीं सुना कि वूली डॉग कुत्ते से भी आपको ऊल मिलता है, ऐसा नहीं, देखने में लगता होगा थोड़ा बड़े बड़े बाल वाला होता होगा। कह रहे हैं व्हाट इज मीन, नेक्स्ट फोर्थ है, व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स, रियरिंग, ओके, तो रियरिंग मीन्स क्या होता है, तो कीपिंग एंड केयरिंग द शीप आर एनी एनिमल फॉर प्रोडक्शन इज कॉल्ड रियरिंग, शियरिंग, तो रियरिंग, शियरिंग एंड सेरिकल्चर, तो रियरिंग पालन करना होता है, रखना होता है, केयर करना होता है, इसको रियरिंग बोलते हैं, ठीक। और शियरिंग क्या है, अभी सुन रहे थे, रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द बॉडी, हेयर, जो उसका हेयर है शीप का, वहाँ से रिमूव करना, कट करके अलग करना क्या होता है, शियरिंग होता है। एंड सेरिकल्चर, सेरिकल्चर दिस इज रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ सिल्क वर्म एंड प्रोड्यूसिंग सिल्क, क्या उसी को सेरिकल्चर बोलते हैं, तो रियरिंग एंड केयरिंग द सिल्क वर्म एंड सिल्क मोथ एंड गिविंग कंडीशंस एंड प्रोड्यूसिंग सिल्क, दिस होल थिंग इज कॉल्ड सेरिकल्चर, दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड सेरिकल्चर, ओके। सो नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ओके, सो गिवन बिलो अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन प्रोसेसिंग ऑफ वूल विच आर द मिसिंग स्टेप, ओके। सो शियरिंग लिखा है, अगला स्टेप क्या है, स्कोरिंग, धोने को, साफ करने को, शॉर्टिंग, छांटने को, बड़े छोटे या पतले मोटे को छांटना, फिर इसके बाद क्या है, शॉर्टिंग के बाद ड्राइंग, सुखाना, फिर क्या है, डाइंग, रंगना, फिर उसके बाद और आता तो क्या होता, उसके बाद फिर स्पिनिंग और फिर वीविंग, ऐसे होता, तो ये हो गए। उसके बाद क्या है, मेक द स्केचेस ऑफ टू स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, तो टू स्टेजेस बताने हैं जो सिल्क प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, तो कौन सा है, वो कैटरपिलर या लार्वा स्टेज है और प्यूपा स्टेज है, तो ये दोनों स्टेजेस, प्यूपा और लार्वा यानी ये आपके कैटरपिलर का स्टेज, दोनों डायरेक्ट जुड़े हैं किससे, सो बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, ओके। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम लोग कर दिया, सिक्स हो गया, और कह रहे हैं आउट सेवन, क्वेश्चन सेवन, सो कम टू क्वेश्चन सेवन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, क्या है ये, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपिकल्चर एंड सिल्विकल्चर, ठीक, तो ये सेरिकल्चर तो आप जानते हैं, सिल्क वर्म का रियरिंग और प्रोडक्शन, उसका केयरिंग, ये सब है। फ्लोरिकल्चर नहीं, फ्लावर वगैरह उगाने के लिए ये सब टर्म यूज होता है, ठीक है। मोरिकल्चर, ये मलबेरी के, मलबेरी उगाना, उसका केयर करना और उनकी पत्तियों को यूज़ करना सिल्क वर्म्स को खिलाने के लिए, तो मोरिकल्चर इज किससे है, मलबेरी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक। एपिकल्चर तो आप जानते हैं, हनी वगैरह का है, तो ये दो टर्म हैं, कौन से, सेरिकल्चर और मोरिकल्चर, दीज आर रिलेटेड टू व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, ओके। देखिए सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी लीव्स एंड, ए हिंट दे रहे हैं, रियरिंग सिल्क वॉर्म, साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी इज मोरस, ओके, मोरस अल्बा, तो साइंटिफिक नेम देखिए क्या है, किसका, मलबेरी, जो शहतूत की होता पौधा, उसका मोरस अल्बा नाम है, तो इसी के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, मोरिकल्चर, और सिल्क प्रोडक्शन में तो क्या है, मलबेरी लीव्स का खूब यूज करते हैं, तो इसलिए ये मोरिकल्चर और सेरिकल्चर दोनों क्या है, सिल्क वॉर्म, सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, मैचिंग, तो हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हैं, चलिए, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम फर्स्ट
टू दोज इन द कॉलम सेकेंड, ऐसा है ठीक है। तो क्या है कॉलम स्कोरिंग मलबेरी लीव्स या कोकून, और ये पहले के क्वेश्चन का है, इसको हम इरेज करते हैं ठीक है। और देखिए स्कोरिंग कितनी बार हो गया, स्कोरिंग मीन्स फ्लीस को शियरिंग के बाद जो भेड़ से के फर हैं और काटने के बाद उसको वॉश करते हैं तो उसको क्या कहते हैं स्कोरिंग कहते हैं। तो ये स्कोरिंग होगा क्लीनिंग शियर्ड स्किन, है ना, स्किन नाम दिया तो उसका डेड स्किन भी हटाते हैं ना उसके साथ, उसके सही तो फर निकालते हैं ठीक। मलबेरी लीव्स फूड फॉर फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, देखिए यहाँ पर चार है यहाँ पांच है। याक, याक क्या होता है, वूल यील्डिंग एनिमल है ठीक। कोकून, कोकून क्या है, कोकून देखिए ये एक तो यील्ड्स सिल्क फाइबर है कि नहीं, ऐसा है, और कोकून से ही रीलिंग भी करते हैं, उसी से निकालते हैं सिल्क फाइबर को, रीलिंग करते हैं। तो ये हो सकता है कि आपको स्कोरिंग, स्कोरिंग तो है ही है, देखिए ये क्लीनिंग हो गया, मलबेरी लीव्स क्या है फूड फॉर सिल्क वर्म हो गया, या क्या है यील्डिंग एनिमल हो गया, कोकून क्या हो गया, सॉरी याक वूल यील्डिंग एनिमल ये यहाँ पर है ठीक है, और ये तो इधर है, और कोकून देखिए कोकून ये यहाँ हो गया, और कई तो रीलिंग में भी है, रीलिंग भी इसी से करते हैं सिल्क निकाल करके। तो ये हो गया रीलिंग, ये देखिए गिवन बिलो अ क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन दिस लेसन, क्या है ये, यूज हिंट्स टू फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद लेटर्स दैट कंप्लीट द वर्ड। देखिए क्या हो जाएगा, थ्रू डाउन यानी ऊपर नीचे कितने हैं, वन टू थ्री, तो वन यहाँ है टू यहाँ है और थ्री यहाँ है, डाउन ऐसे, और अक्रॉस ऐसे क्रॉस है, वन अक्रॉस नीचे भी होगा। तो देखते हैं थरो वॉशिंग, थरो वॉशिंग क्या होता है, स्कोरिंग होता है ना, तो ये चीज होगा, तो वन डाउन में यहां पर क्या लिखेंगे, थरो वॉशिंग क्या है, स्कोरिंग, तो ये तो स्कोरिंग ऐसे होना चाहिए ठीक है। और एनिमल फाइबर डाउन, तो एनिमल फाइबर में देखिए क्या है, एनिमल फाइबर है वूल यहां पर ठीक है, ऐसे, या सिल्क भी लिख सकते हैं ठीक। तो एनिमल फाइबर सिल्क ये भी आ सकता है एक, और लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फाइबर कहेंगे, कहां पर है, थ्री डी, तो एफ आई बी आर ई ठीक है, फाइबर। और कीप्स वार्म, वन अक्रॉस में वन, देखिए कहाँ गया ये ठीक है ना, तो ये एक्चुअली क्या होगा, वूल होगा, यानी यहाँ पर सिल्क लिखना है पता है, ये आपको यहाँ पर सिल्क लिखना पड़ेगा। और इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वॉर्म्स सेकेंड अक्रॉस, तो मलबेरी ठीक है, देखिए एम यू एल बी आर वाई ठीक, मलबेरी। और क्या है, हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मोथ, तो क्या हो जाएगा, थर्ड अक्रॉस ठीक है। तो यहां पर ये जो एक बन गया है, पहले इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ये कैटरपिलर ठीक है ना,
ऐसा कैटरपिलर। तो ये एक रह गया करें थरो वॉशिंग, स्कोर लिख देते हैं, ठीक है ना, स्कोर। तो स्कोर हो गया, तो थरो वॉशिंग क्या है, स्कोर हो गया, ठीक। तो ये हो गए आपके एक क्वेश्चन, इतने हो गए, ठीक। इसके बाद देखिए एक्सटेंडेड लर्निंग में क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, पहेली वॉन्ट्स, ओके। नाउ पहेली वॉन्ट्स टू नो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिल्क थ्रेड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कुकून, है कि नहीं। तो ये तो एक्टिविटी है, आप जा करके कुकून मिले और वहाँ से देख सकते हैं कितना हो सकता है, कभी कभी कई मीटर का भी निकलता है, बहुत सारा लंबा निकलता है ये कई थ्रेड, है ना, खींचते जाएंगे निकलता जाएगा। तो ये फाइंड आउट फॉर हर, तो आपको पता करना है इसको, है कि नहीं, या देखिए कहीं ढूंढ ढूंढ के कहाँ पर कितना दिखा रहा है। बूजो वॉन्ट्स टू नो वाई कैटरपिलर्स नीड टू शेड देयर स्किन व्हेन दे ग्रो बिगर, वी ह्यूमंस डू नॉट, है कि नहीं। कैटरपिलर नीड टू, अब कैटरपिलर क्या है, इनको अलग अलग स्टेज में जाना है, एक से लार्वा, लार्वा से प्यूपा होना है, फिर उसके बाद बटरफ्लाई बनना, अरे कैटरपिलर मोथ बनना है। तो इससे क्या होता है, ये कई स्टेजेस होते हैं, तो उनको कई चेंजेस उनके में आते हैं, ठीक है। तो कैटरपिलर का बॉडी अलग से बनना है तो अपनी स्किन को क्या करते हैं, वो शेड करना है, गिरा देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, उनकी स्किन बदल जाती है, हट जाती है। तो इस ह्यूमन डू नॉट, तो अपने डू यू हैव एनी आइडिया, कि आपके पास कुछ है ऐसा जो बता सकते हैं, तो भाई ये तो क्या है, उनके उनके लाइफ स्टेजेस हैं जिससे वो क्या करते हैं, और नई नए फॉर्म में आते हैं और अपने में बदलाव लाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए, ये हो गए आपके ये क्वेश्चंस। थ्री क्या है, बूजो वॉन्ट्स टू नो वाई कैटरपिलर्स शुड नॉट बी कलेक्टेड विद बेयर हैंड्स, है ना। देखिए वो क्या है कि रेंगते रहते हैं ज़मीन पर, यहाँ वहाँ कई केमिकल्स सेक्रेट करते हैं, वो पॉइजनस भी हो सकते हैं उनके सेक्रेट्स, तो इसलिए क्या होता है उसको ज़्यादातर कैटरपिलर को आप हाथ से सीधे नहीं नंगे हाथों से नहीं उसको छू सकते, ठीक है। अब देखिए क्या है, पहली वॉन्टेड टू बाई अ सिल्क फ्रॉक, वी वेंट टू मार्केट विद हर मदर, देयर दे फाउंड दैट आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक सिल्क वॉज मच चीपर एंड वॉन्टेड टू नो वाई, नो वाई, डू यू नो वाई, फाइंड आउट। तो बिल्कुल, ये क्या होता है, जो मटेरियल बनते हैं, जो सिंथेटिक मटेरियल हैं, वो केमिकल्स का यूज करके बनते हैं, बहुत उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कम एनर्जी से कम टाइम में ये बनाए जा सकते हैं, तो क्या होता है, ये सस्ते होते हैं। और जो सिल्क का प्रोडक्शन है, कितने स्टेजेस होते हैं, बहुत सारा टाइम उसमें इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी मेहनत इन्वॉल्व होती है, बहुत सारा केयर करना पड़ता है, और वो महंगे, इसलिए उनका कॉस्ट ज़्यादा होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, समवन टोल्ड पहली दैट एन एनिमल कॉल्ड विकुना ऑल्सो गिव्स वूल, कैन यू टेल हर वेयर दिस एनिमल इज फाउंड, लुक फॉर दिस इन डिक्शनरी और इनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। तो विकुना कहाँ पाया जाता है, ये आप इसको ढूंढ के आपको बताना है, ये विकुना नाम का जानवर जिससे कि ऊल मिलता है, ये कैमल के टाइप का एनिमल है, दिस एनिमल इज ऑफ द काइंड ऑफ कैमल, और दिस इज अ कैमल टाइप एनिमल विच इज फाउंड इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज, के साउथ अमेरिकन कंट्रीज में ये विकुना पाया जाता है, और वहाँ जो एडीज सीरीज है पहाड़ों की ना, उधर ही ज़्यादा रियर किया जाता है। तो इससे क्या मिलता है, आपको वूल मिल सकता है विकुना से। इसके बाद क्या है,
when handlooms and textile exhibitions are held, certain stalls display real modes of various varieties of silk and their life histories. Try and visit these stalls with elders or teachers and see these modes and stages of their life histories. ठीक है ना, तो बहुत अच्छा अवसर होता है, जहाँ पर अच्छा मौका होता है जब ये इनके स्टॉल लगते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग बात है कि बहुत रेयर होते हैं, बहुत कहीं कहीं लगते हैं, किसी खास मेले में लगते हैं और हमारी पहुँच से भी दूर हैं, तो इसलिए भी देखा जा सकता है। जिनको जाने आने का टूरिज्म का शौक है वो ज़रूर देखते हैं। सो लुक फॉर एग्स ऑफ एनी मॉथ और बटरफ्लाई इन योर गार्डन। यस, यहाँ पर ये चीज़ देखा जा सकता है, आप प्यूपा ढूंढ सकते हैं, एग ढूंढ सकते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है ना। मैंने देखा है बहुत सारा। आर पार्क ऑफ एनी अदर प्लेस फुल ऑफ प्लांट्स, ओके, जहाँ प्लांट बहुत सारे हों, दे लुक लाइक टाइनी स्पेक्स एंड डॉट्स, अरे छोटे छोटे पत्तों पर देंगे ना तो काले काले ऐसे ज़्यादातर मिल जाएंगे, लेड इन अ क्लस्टर और ऑन द लीव्स, है ना। तो पत्तियों पर वो एकदम से ग्रुप में, झुंड में, कई कई एग, है ना, लाइन में ऐसे ऐसे बने दिखते हैं, जिस तरह से कुछ चिपक गया है कोई नई चीज, तो एग्स होते हैं, ठीक है। दे लुक लाइक टाइनी स्पेक्स डॉट्स लेड इन अ क्लस्टर ऑन द लीव्स, पुल आउट द लीव्स कंटेनिंग एग्स एंड प्लेस देम इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स, टेक सम लीव्स ऑफ सेम प्लांट, ओके, ऑफ और अनदर प्लांट ऑफ द सेम वराइटी, चॉप देम एंड पुट देम इन द बॉक्स, एग्स विल हैच इन टू द कैटरपिलर्स विच आर बिजी ईटिंग डे एंड नाइट एंड लीव्स एवरी डे फॉर देम टू फीड अपॉन, समटाइम्स, ओके, यू मे बी एबल टू कलेक्ट द कैटरपिलर्स बट बी केयरफुल, यूज अ पेपर और नैपकिन और पेपर टू होल्ड, ओके। तो ऐसे एक कलेक्ट करके जिस पौधे पर, जिसके पत्ते पर ये एग पाए गए हैं, उन्हीं पत्तों को काट करके, और एग भी बॉक्स में रख दीजिए, कार्डबोर्ड बॉक्स में, उन्हीं पत्तों को काट के रख दीजिए ताकि उनको वही पसंद होगा, इसीलिए वहाँ पर एग है, तो इसलिए वही पत्ते, पत्तों को, कैटरपिलर जो निकलेंगे ना, लार्वा जो निकलेंगे, उन्हीं पत्तों को वो खाएंगे तो बड़े होंगे खा के, और उसके बाद उनको प्यूपा स्टेज में जाते हुए भी आप देख सकते हैं। ऑब्जर्व एवरी डे, नोट दैट नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर एग्स टू हैच, कई दिन बाद ये क्या होते हैं, ये एग्स से लार्वा निकलते हैं, है ना, गिनना है आपको कितने दिनों बाद, ठीक है, नोट करना है कितने दिनों बाद ये लार्वा से, एक लार्वा निकलते हैं एग से, और नंबर ऑफ डेज टेकन टू रीच द कोकून स्टेज। कोकून स्टेज का मतलब क्या हुआ, प्यूपा स्टेज बोलते हैं, यानी कि हर कुछ सिल्क का ही वाला कोकून होगा, दूसरों का भी प्यूपा स्टेज होता है, एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, और उसमें से कब बटरफ्लाई या निकल के उड़ जाती है ये आपको देखना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, यू कैन रीड मोर ऑन द फॉलोइंग वेबसाइट, तो इस वेबसाइट पर आप जाकर के देख सकते हैं, www.indiasilk.kr.nic.in, ओके। सो ये हो गया आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। कौन सा है नेक्स्ट चैप्टर, आपको हीट है और वो चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, फिर से रिवीजन देख लेंगे और पूरी तरह इसको पढ़ भी लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप साथ रहे और वीडियो को देखा करिए, पूरा देखा करिए, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटे बच्चों में थोड़ी सी ये दिक्कत है कि वो देख लेते हैं, लेकिन हो सकता है शेयर और सब्सक्राइब करने में उनको दिक्कत हो रही हो, तो किसी बड़े का हेल्प लीजिए और चैनल का को सब्सक्राइब करिए, और दूसरों तक आपका सीखा हुआ नॉलेज भी पहुँचे, शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, और कुछ कमेंट हो आपको, आपकी कोई रिक्वायरमेंट और हो तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप पढ़ते रहिए और मेहनत करिए।